बिल्डर जिन्होंने एक साथ एक दर्जन कोठियां खरीदी थी, वो अपने उन कोठियों को देखने के लिए जैसे ही अपने साइड पर पहुंचते हैं, साइड पर जब वो पहुंचते हैं तो सीधा उन्हीं कोठियों में से एक कोठी जो 5 मंजिल की बनी थी, वे 5वें मंजिल पर जाते हैं क्योंकि 5वें मंजिल पर छत के फॉल सीलिंग का कुछ काम चल रहा था। और 5वें मंजिल पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो 5वें मंजिल से नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका खुद का मैनेजर एक महिला को काफी तेजी तेजी से डांट रहा है और वो महिला रो रही है। महिला रिक्वेस्ट कर रही है कि साहब मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। दरअसल उनका मैनेजर उस महिला को काफी तेजी तेजी से डांट रहा था और कह रहा था कि ऐसे काम थोड़ी होता है, पिछले 5 दिन से लगातार तुम नहीं आ रही हो, कम से कम मुझे बताना ही था। दरअसल महिला एक श्रमिक होती है, एक मजदूर होती है जो काम के सिलसिले में उनकी बिल्डिंग में ही काम कर रही थी, लेकिन पिछले 5-6 दिन से लगातार उस महिला की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वो महिला काम पर नहीं आ पा रही थी। अब जब ये सब बिल्डर साहब देखते हैं तो वो सीधा 5वें मंजिल से लिफ्ट से सीधा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद देखते हैं कि उनका मैनेजर जो है उनकी तरफ मुंह करके खड़ा है और महिला जो है उसकी पीठ बिल्डर साहब के पीछे है, यानी दोनों का आमना सामना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यह महिला पीछे मुड़ती है और बिल्डर साहब इस महिला को देखते हैं तो महिला भी बिल्डर साहब को देखने लगती है और बिल्डर साहब भी महिला को देखने लगते हैं। जैसे ही महिला बिल्डर साहब को देखती है वो तेजी तेजी से रोने लगती है और बिल्डर साहब भी तेजी तेजी से रोने लगते हैं। आखिर बिल्डर का और इस महिला का क्या संबंध था? आखिर ऐसा क्या था कि दोनों एक दूसरे को देखते ही रोने लगते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं? काफी देर तक दोनों रोने के बाद आपस में बातें करते हैं और आखिर क्या है पूरी कहानी? दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसे सुनने के बाद आप एक बार आपका दिल और आपकी आंखें डबडबा जाएंगी। तो कहानी शुरू करने से पहले वही पुराना सिलसिला कि पिछली वीडियो में जिन लोगों के कमेंट आए थे उनका नाम मैं लेने चल रहा हूं। और दोस्तों, आप नए लोगों को, नए सब्सक्राइबरों को बता दूं कि आने वाली आगे की हर कहानी में जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और जो लोग हमारी वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाते हैं उनका नाम हर कहानी में लिया जाता है। तो आप कहानी कहां से देख रहे थे? पूरी कहानी आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना प्यार और आशीर्वाद देना ना भूलिएगा। और आप किस जिले से, किस प्रदेश से, कहां से वीडियो को देख रहे थे या किस देश से देख रहे थे, आप हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके प्यारे कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल बिना देरी किए हुए आइए पढ़ते हैं वो नाम जो पिछली वीडियो में हमें सपोर्ट किए थे और अपना प्यार दिए थे। सबसे पहला नाम है राजू भाई का। राजू भाई ने कहा था कि आप बहुत लंबा खींचते हैं, अब जमाना चेंज हो गया है, 10 से 12 मिनट के अंदर आप वीडियो को यानी कि अपनी कहानी को खत्म कर दिया करिए। तो राजू भाई, आपका जो फीडबैक है, आपका जो कहना है, वाकई में बहुत सही है, बहुत अच्छी सलाह दी आपका। मैं आने वाली कहानियों में इस आपकी सलाह का अमल भी करूंगा। लेकिन राजू भाई, होता क्या है कि मैं जब दिल से कहानियां पढ़ता हूं और लोग प्यार देते हैं जैसा कि उन्होंने पिछली वीडियो में दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर समय बीच में आता है, समय बाधक बनता है। फिर मैं जब कहानियां दिल से पढ़ता हूं और लोग दिल से सुनते हैं तो फिर टाइम की बाउंडेशन नहीं रह जाती और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। फिलहाल मैं अगली कहानी में इस चीज का जरूर ध्यान दूंगा। दूसरा है नाम जो जिन्होंने कमेंट किया था, उनका नाम है सिया सिंह कटिहार बिहार से, इरफान खोट हैं, राकेश चौबे हैं, जिन्होंने कहा था वेरी नाइस वीडियो। राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। बसंत पटेल हैं शिकागो यूएसए से, ये विदेश से देख रहे थे, यूएसए से बसंत पटेल जी। सुनीता गुजर ने कहा था कि सुनीता गुजर जी ने कमेंट किया था कि उनको उनका प्यार मिल गया। तो सुनीता गुजर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम है दिलावर सिंह और अगला नाम है विश्वेश कुलकर्णी का। विश्वेश कुलकर्णी भाई साहब ने भी हमारे वीडियो में पुणे से कमेंट किया था। विश्वेश कुलकर्णी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश अरोरा जी हमारी वीडियो, हमारी कहानी कनाडा से देख रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप श्रीवास्तव जी और आखिरी नाम है बिमल कुमार लाकरा झारखंड से। बिमल कुमार लाकरा जी ने भी अपना प्यार और आशीर्वाद हमें वीडियो में दिया था, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया।
उम्मीद है आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बनाकर रखेंगे। और नए लोगों से मैं उम्मीद ही करता हूं कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां पे दिल छूने वाली कहानियां लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल बिना आपका समय गंवाए, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब बिल्डर साहब और वो महिला श्रमिक एक दूसरे को मिलते हैं, उसके पहले बिल्डर साहब अपने मैनेजर से पूछते हैं कि मैनेजर साहब आप हमें ये बताइए, इस महिला को आप डांट क्यों रहे हैं? तो उसके मैनेजर साहब कहते हैं, साहब ऐसा है कि ये जो है महिला चार पांच दिन से काम इतना लेट हो रहा है, काम इतना विलंब हो रहा है, चार पांच दिन से लगातार ही एब्सेंट है, और इसका काम जो है वो बाधित हो रहा है, इसके वजह से हमारा भी काम बाधित हो रहा है, इसलिए हमें देर लग रही है, इसलिए मैं इस महिला को डांट रहा था। बिल्डर साहब मैनेजर को समझाते हैं कि मैनेजर साहब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तो महिला है, दूसरे श्रमिक है, ऐसा करना कहीं से भी अच्छा नहीं है, कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। फिर जैसे ही बिल्डर साहब और महिला की नजरें मिलती हैं, तो बिल्डर का नाम राजीव होता है और उस महिला का नाम नीलम होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते ही आपस में दोनों की आंखें डबडबा जाती हैं और नम हो जाती हैं, दोनों रोने लगते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही एक दूसरे से आगे बढ़कर गले लिपट कर गले मिलकर रोने लगते हैं। जैसे ही ये मैनेजर देखता है, उनका मैनेजर जो उस महिला श्रमिक को लगातार डांटे जा रहा था, वो भी परेशान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि हमारे इतने बड़े साहब जिन्होंने अभी 15-20 करोड़ की इतनी सारी बिल्डिंगें खरीदी, एक महिला श्रमिक जिसकी दिहाड़ी 500-600 रुपए है, उस महिला श्रमिक से इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, इस तरीके से मिल रहे हैं और देखते ही रोने लगे, आखिर क्या है संबंध? दरअसल ये कोई और नहीं था, ये राजीव की यानी कि बिल्डर की पत्नी थी। तलाक करीब 5 साल पहले हो चुका था। अगर मैं कहानी की शुरुआत की बात करूं तो राजीव जो आज के डेट में एक बहुत बड़ा बिल्डर था, जिसके पास करीब करोड़ों का नहीं अरबों का कारोबार था, करोड़ों का प्रॉपर्टी का लेखा जोखा था, करोड़ों का प्रॉपर्टी का इधर उधर का काम था, तो राजीव आज के करीब 6-7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। जब उसकी नई नवेली दुल्हन नीलम उसके घर आती है, सुहाग रात के दिन जब उसका मुखड़ा उठाता है, क्योंकि राजू एक गरीब खानदान का लड़का था जिसके पास 2 टाइम की रोटी नहीं होती थी, 2 समय की रोटी नहीं होती थी कि वो खा ले। राजू अपने माता पिता के अकेला बंदा था, उसके पिताजी रिक्शा चलाकर घर का पालन करते थे, घर का भरण पोषण करते थे। राजू की जब शादी हो गई तो राजू की जो शादी हुई थी यानी कि नीलम से, नीलम के मायके वाले बहुत ही धनाढ्य और बहुत ही अमीर खानदान से आते थे, लेकिन राजीव पढ़ने में ठीक ठाक था, बहुत दिमागी था, इसलिए नीलम के घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, लड़के का बाप रिक्शा चलाता है लेकिन लड़का पढ़ा लिखा सभ्य है, बहुत अच्छा इंसान है, तो हमें शादी लड़के से करनी है। और नीलम के घर वाले लड़के से शादी कर देते हैं। लड़के से शादी करने के बाद ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, क्योंकि नीलम का मायका जो था वो बहुत मजबूत था, धनाढ्य था। नीलम जब शादी के बाद अपने ससुराल आती है तो ससुराल में वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो उसे मायके में मिल रही थी। अब नीलम बहुत हैरान परेशान, 1-2 साल जैसे ही वो झुग्गी झोपड़ी छोटे से कच्चे से मकान में अपना गुजर बसर करती है, गुजारा करती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही जब वो अपने मायके वापस जाती है तो नीलम का जीजा जो था वो नीलम को बहुत चढ़ाने लगता है कि किन भिखारियों के यहाँ तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हारा तो पूरा गला ही काट लिया, इन लोगों को ऐसा नहीं करना था। नीलम एक बार सब कुछ भूल जाती है, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई पीछे से सिखाने वाला हो और आदमी अपने दिमाग से ना चल रहा हो तो उसकी बुद्धि गाहे बगाहे भ्रमित ही हो जाती है, और कुछ दिन बाद ही नीलम की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अब नीलम जब भी अपने ससुराल आती तो राजीव से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उसे हमेशा गरीबी के लिए कोसती रहती थी, उसे भिखारी जैसे शब्द का यूज करती थी, जिसे उसके पिता उसके माता सुनते थे तो बहुत दुख होता था। वो लगातार ही पूरे घर में क्लेश करती रहती थी, राजीव को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन नीलम ने राजीव को कहा कि तुम भिखारी हो, भिखारी थे, भिखारी रहोगे, मैं इस जिहालत की जिंदगी में, मैं इस तरीके से अपना घर द्वार अपना मायका तुम्हारे लिए छोड़कर आई हूं, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती हूं, तुम्हें जैसे अपनी जिंदगी काटनी है तुम काटो, मैं अब अपने मायके जा रही हूं।
राजू बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगता है, हाथ पैर जोड़ता है नीलम के, लेकिन नीलम थी कि मानने वाली नहीं थी। राजू कहता है ऐसा मत करो, लेकिन नीलम बिना राजू के परमिशन के उसका दिल दुखाकर, राजू रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है कि मत जाओ मत जाओ, समय है ये कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन नीलम थी कि उसको मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीलम अब सीधा अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद उसके माता और पिता और उसका एक भाई था और उसके जीजा, सबसे ज्यादा जो उसके जीजा थे, वो नीलम को फिर से चढ़ाते हैं। नीलम से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम अपने पति से तलाक ले लो, क्योंकि उसकी स्थिति अब इस जीवन में सुधरने वाली नहीं है। वो भिखारी है, भिखारी था, भिखारी ही रहेगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। अंततः नीलम थाने और कोर्ट का चक्कर काटने लगती है। अपने जीजा और अपने मायके के कहने वालों के वजह से राजीव से नीलम तलाक ले लेती है। तलाक का कोर्ट का केस जिस दिन था, जिस दिन दोनों का तलाक होना था, दिन नीलम अपने मायके वालों के साथ कोर्ट में पहुंचती है और कोर्ट में कहती है कि साहब मुझे 25 लाख रुपया हर्जाना चाहिए अपना जीवन गुजारने के लिए। कोर्ट में राजीव मिन्नतें कर रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं ये पैसे कहां से दूंगा। कोर्ट एक फैसला सुनाती है जिस फैसले में कहती है कि राजीव यानी कि नीलम के पति को स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, उसे 25 लाख रुपए 6 महीने के अंदर कोर्ट में जमा करने होंगे। और दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों के रास्ते अब जुदा जुदा हो चुके थे, दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। राजू हैरान परेशान गरीबी में यही सोच रहा था कि भगवान का क्या नया है, भगवान कैसे कर रहा है। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद जैसे अपने पिता को ये सारी बातें बताता है, उसका पिता उससे कहता है कि बेटा मैं तो रिक्शा चलाने वाला हूं, तुम भी अभी घर पे ही रहते हो, कमाते धमाते नहीं हो, आखिर हम पैसा कहां से देंगे। दोनों लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं। माँ तक जब ये बातें पहुंचती है, क्योंकि माँ अपनी बहू को बहुत प्यार कर रही थी, लेकिन बहू की नजरों में सिर्फ अगर इज्जत थी तो धन दौलत की, ऐसो आराम की, जो उसे मायके में तो मिल रहा था लेकिन ससुराल में नहीं मिल रहा था। राजू के माता पिता बहुत परेशान रहने लगते हैं। राजू के पिता की धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही थी, ये सोचकर कि आखिर उनका बेटा 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपए कोर्ट में कहां से जमा करेगा। अचानक एक दिन राजू के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वो दुनिया छोड़ देते हैं। राजू बहुत दुखी होता है, बहुत हैरान परेशान होता है, लेकिन जैसे तैसे अपने को संभाल कर अपने पिता का क्रियाक्रम और तेरहवीं संस्कार करता है। और कुछ दिन बाद ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती है, यानी पिता के ना रहने के बाद पूरी प्रॉपर्टी बेटे के नाम आ जाती है। अब जब बेटे के नाम आ जाती है, बीत चुका था लगभग 6 महीने का समय पूरा होने को था और कोर्ट से लगातार राजीव को नोटिस आ रहे थे। अब जब राजीव को कुछ नहीं दिखा, राजीव के पास चूंकि पैसे नहीं थे, तो राजीव ने अपना पैतृक घर जहां पे वो रहता था, छोटा सा कच्चा सा मकान, वो पूरी जमीन बेच देता है 25 लाख रुपए में और वो 25 लाख ले जाकर कोर्ट में जमा कर देता है और अपनी माँ को रोते हुए एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगता है और जिंदगी काटने लगता है। राजीव अब एक छोटी सी फर्म खोलता है और फर्म खोलने के बाद धीरे धीरे प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करता है और ईश्वर ने अब की बार उसके साथ पूरी तरीके से न्याय किया। उसका प्रॉपर्टी का काम धीरे धीरे चल जाता है और वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में कई करोड़ रुपए कमा जाता है। अब उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। समय ऐसा आता है जब वो एक जिले का बहुत बड़ा बिल्डर बन जाता है। उसके पास अब गाड़ियां, बंगले, धन दौलत सब कुछ था। यही 300 करोड़ रुपए की कई प्रॉपर्टियों का जोड़ा खरीदा था। आज जब वो नाश्ता करके उस जोड़ों पे पहुंचता है करीब 6 साल बाद, तो अपनी श्रमिक पत्नी को जब देखता है आमने सामने, वो अपने पत्नी नीलम से पूछता है कि नीलम आखिर हुआ क्या था, तुम पूरी घटना मुझे बताओ कि तुम इस स्तर तक एक अच्छे खासे घराने की, एक धनाढ्य एक अमीर घराने की लड़की होने के बाद तुम इस स्तर तक, एक मजदूरी तक कैसे पहुंच गई, तुम मुझे बताओ ना। तो नीलम उससे कहती है कि दरअसल हुआ कुछ नहीं था, उसके मायके वाले तलाक उसके बिना मर्जी के करवाए थे, उनके बहकावे में आ गई थी, उसका एक जीजा
था यानी नीलम का एक जीजा था जो बहुत ही लालची था और पैसे की ताल में हमेशा लगा रहता था, वो रिश्तों को प्राथमिकता नहीं देता था और उसी ने सब कुछ कह के दोनों का तलाक करवाया था। और जब 25 लाख रुपए की बात राजीव करता है अपनी तलाकशुदा पत्नी नीलम से कि मैंने, चलो वो सब बात तो ठीक है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें गुजारा करने के लिए 25 लाख रुपए कोर्ट में जो जमा करके दिए थे, अपनी जमीन अपना घर द्वार बेचकर, वो पैसे तुम्हारे क्या हो गए? तब नीलम कहती है कि दरअसल वो पैसे हमारे जीजा ने, हमारे घर वालों ने हमसे खा लिए, हमसे ले लिए, हमें इधर उधर पढ़ाते रहे कि तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में लगाऊंगा, तुम्हारी पढ़ाई में लगाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने वो पैसे हमारे खा लिए और मेरे पास जब पैसे खत्म हो गए तब तक मेरे भाई की, एकलौते भाई की शादी भी हो चुकी थी और उसकी बहू यानी कि उसकी पत्नी भी आ चुकी थी। अब मैं जब भी अपने पैसों की बात करती तो वो लोग हमें मारने पीटने पर उतारू हो जाते और अंततः एक दिन आया जब उन्होंने हमें घर से मार कर भगा दिया और फिर मैं सीधा अपने दीदी यानी कि अपने जीजा के घर पर पहुँची। और जीजा के घर पर पहुँचने के बाद जब मैंने जीजा से कहा कि जीजा जी मुझे कुछ पैसे की व्यवस्था कर दो और मैं कुछ दिन आपके यहाँ ही अपने जीवन काटूंगी, तब हमारे जीजा ये कहने लगे कि तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, जब तुम अपने पति की नहीं हुई, जब तुम्हें अपने पति की इज्जत नहीं की और अपने मायके वालों की इज्जत नहीं की तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई जगह नहीं है। और ऐसा कहकर वो हमें अपने घर से भगा देते हैं। अब मैं मजबूर थी, मैं रोड पर दर बदर ठोकरें खा रही थी, मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, तो मैं धीरे धीरे मजदूरी करने लगी और मजदूरी करके अपना जीवन जैसे तैसे गुजार रही हूँ। जब ये पूरी बातें उसका तलाकशुदा बिल्डर पति राजीव सुनता है तो वो और तेजी से रोने लगता है और कहता है कि तुम बैठो मेरी गाड़ी पे। वो अपनी चमचमाती हुई BMW गाड़ी पर अपनी तलाकशुदा पत्नी नीलम को बैठाता है और एक होटल में लेकर जाता है। होटल में अपने ड्राइवर से कहता है कि ये हैं कुछ पैसे, तुम जाकर नीलम के लिए एक अच्छी सी साड़ी, चप्पल, सब कुछ, सारा सामान खरीद कर लाओ। और सामान खरीदने उसका ड्राइवर जाता है और कुछ देर बाद ही कपड़े, चप्पल, सब कुछ लेकर आता है और नीलम जाकर महिला प्रसाधन में नहाती धोती है और वापस जैसे ही अपने वो कपड़े पहनकर नए वाले आती है, उसका पति जब देखता है तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर नीलम भले ही मजदूरी कर रही हो, आज समय की मारी हो, लेकिन ये वैसी ही है जैसे पहले थी। अब राजीव कहता है कि तुम्हें कुछ खाना है, तो वो कहती है हाँ मुझे भूख बहुत तेजी से लगी है, क्योंकि उसके पति राजीव को पता था कि वो इडली और डोसा बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो होटल पर इडली और डोसा का ऑर्डर करता है। इडली डोसा आता है, दोनों एक साथ ही खाते हैं, दोनों एक दूसरे को हाथ से भी खिलाते हैं, दोनों काफी बातें करते हैं, दोनों आज कई साल बाद मिले थे, दोनों भावुक थे। पूरी कहानी राजू अपनी पत्नी की समझ चुका था कि उसके साथ कैसे उसके मायके वालों ने ज्यादती की, कैसे उसके जीजा ने ज्यादती की। अब कुछ देर बाद ही नीलम कहती है खाना पीना खाने के बाद कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस बार आइसक्रीम के पैसे मैं दूंगी। वो कहता है ठीक है, मैंने यहाँ पर पैसे चुकाए हैं, तुम वहाँ पर पैसे चुका देना जहाँ पर हम आइसक्रीम खाएंगे। और वो फिर से गाड़ी पर सवार होते हैं और एक आइसक्रीम वाले के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर वो 300 रुपए की दो आइसक्रीम 150 रुपए की खरीदते हैं। और जैसे ही नीलम अपनी पर्स खोल के, अपना बटुआ खोल के 300 रुपए देने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसके पर्स में तो मात्र 200 रुपए हैं। अब वो परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। ये पूरा आलम उसका तलाकशुदा पति राजीव देख रहा था। राजीव कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं पैसे दे रहा हूँ। वो शर्मा जाती है एक बार और राजीव अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकालकर आइसक्रीम वाले को पकड़ाता है। और राजीव जैसे ही अपनी पर्स खोलता है तो नीलम देखती है कि उसकी फोटो उसके पर्स में लगी हुई है। अब वो तपाक से कहती है कि एक मिनट अपनी पर्स दिखाना। राजीव अपनी पर्स उसके हाथ में दे देता है और जैसे ही नीलम पर्स देखती है सबसे ऊपर राजीव और नीलम की वही शादी के बाद वाली पुरानी फोटो लगी है। नीलम से राजीव कहती है कि तुमने अभी तक ये फोटो बचा कर रखी है, सहेज कर रखी है। तो राजीव अपनी तलाकशुदा पत्नी नीलम से कहता है कि दरअसल जिसकी कदर जीवन में हो, जिसकी कदर दिल में हो, वो लोग कभी भी छोड़ते नहीं। और शायद मैं तुम्हें आज भी उतना प्यार करता हूँ जितना शादी के बाद और तलाक के पहले करता था। मैं आज भी तुम्हारा दिल से हूँ। तुम भले ही शारीरिक रूप से मेरे साथ नहीं हो,
लेकिन मैं तुम्हें आज भी उतना प्यार करता हूँ। अब नीलम बड़ा सोच में पड़ जाती है कि एक मेरा पति है, हीरा है, मैंने अपने मायके वालों के, अपने जीजा के कहने पे और लालच में आकर ऐसो आराम के चक्कर में मैंने अपने हीरे जैसे पति को तलाक दे दिया। ये सोच में पड़ती ही रहती है। उसका पति राजीव पूछता है कि चलो ठीक है, अब रोना धोना हो गया, और बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुमने शादी नहीं की? तो बताती है कि नहीं, मैं अकेली हूँ और मैं जब से रोड पे आई हूँ, जब से मजदूरी करती हूँ, तब से मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। मेरा जीवन ही चल जाए, मेरी आजीविका ही चल जाए, भरपेट खाना मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, तो शादी के लिए मैं कहाँ से सोचती? और कोई मुझे ऐसा मिला नहीं जो शादी के बारे में मुझे सोचने पर मजबूर करे, और कभी मेरे दिल में ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि मैं तुम्हें छोड़ने के बाद शादी कर लूँ। फिर नीलम अपने तलाकशुदा पति राजीव से पूछती है कि राजीव मम्मी पापा का क्या हाल है? तो राजीव बताता है कि दरअसल पिताजी तो तुम्हारे तलाक के कुछ दिन बाद ही, जब मुझे 25 लाख रुपए जमा करना था, उसी के टेंशन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो दुनिया छोड़ गए। माताजी अभी भी जिंदा है, माताजी हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती हैं, पूछती हैं कि पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहू, मैं उसे इतना प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत मानती थी, लेकिन लोगों ने चढ़ाकर, और शायद हम गरीब थे इसलिए वो हमारे घर में गुजर बसर ना कर पाती, इसलिए छोड़कर चली गई। वो कहती है कि क्या तुम अपनी माँ से मुझे बात करा सकते हो? राजीव अपना फ़ोन निकालता है और अपनी माँ को फ़ोन करता है, और फ़ोन करके अपनी तलाकशुदा पत्नी नीलम को पकड़ा देता है फ़ोन। और नीलम जैसे ही फ़ोन पकड़ती है तो वो कहती है कि माता जी पहचाना? एक ही बार में उसकी माँ अपनी बहू नीलम को पहचान जाती हैं। तो वो कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हें भूली कब थी, तुम्हारी आवाज़ तो मेरे दिल में बसती है, तुम्हारी आवाज़ तो मेरे दिमाग में बसती है। नीलम अब काफ़ी देर तक अपनी सासू माँ से, यानी अपने तलाकशुदा पति राजीव के माँ से बात करती है, और फिर कहती है कि माँ जी मुझे घर नहीं बुलाओगी? उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम अभी कहाँ हो, राजीव के साथ हो, तुम घर चले आओ। राजीव नीलम से फ़ोन अपने हाथ में लेता है और माँ को कहता है, माँ बस मैं 15-20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वो सीधा अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है, और 15-20 मिनट बाद ही एक चमचमाता हुआ बंगला, एक बड़ा सा काफ़ी बड़ी बनी हुई कोठी जिसमें नौकर चाकर सब कुछ लगे थे, उस बंगले का गेट खुलता है और राजीव की कार उस बंगले के अंदर पहुँचती है। और जैसे ही दोनों कार से नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं उनकी माँ यानी कि राजीव की माँ आरती सजाए हुए थाल में खड़ी थी। वो बहू की आरती करती हैं, बहू को गले से लगाकर रोती हैं और कहती हैं कि बिटिया बहू तुम इतने दिन कहाँ से थी, कहाँ छोड़कर चली गई थी? लेकिन तब तक राजीव कहता है कि माँ क्या इस महिला को हमें अपने पास रखना चाहिए, इस स्त्री को अपने पास रखना चाहिए? तो उसकी माँ कहती हैं कि देखो बेटा, ये पहले जो थी, जब इसने तलाक दिया था उसके पहले ये दूसरे के दिमाग से चल रही थी और घमंड में थी, इसके अंदर गुरूर भरा हुआ था, लेकिन आज ये समय की मारी है और ये बहुत गरीबी से गुजर रही है, मजदूरी तक कर रही अपना जीवन पालन करने के लिए। अब इसके अंदर कोई ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घमंड कुछ भी नहीं है, अब ये पूरी तरीके से पवित्र हो चुकी है। सुबह का भूला यदि शाम को बेटा घर आ जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। राजीव अपनी माँ की कही हुई बातों को मान लेता है और उसके बाद समाज में लोगों को निमंत्रण पत्र भेजता है और एक तारीख तय होती है, दोबारा से शादी होती है। राजीव नीलम अब अपनी हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। आपने देखा कि पूरी कहानी में एक व्यक्ति जो गरीबी का मारा था, जिसकी खुद की पत्नी उसे छोड़कर समय के साथ चली गई, लेकिन वही व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ जाता है और उसका समय फिर से वापस आ जाता है। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि इंसान कभी बलवान नहीं होता है, बल्कि समय बलवान होता है, और जब समय बलवान होता है तो सब कुछ खुद बखुद धीरे धीरे लाइन पे आने लगता है और सब कुछ मिलने लगता है। बस हमें ज़रूरत है तो एक अच्छे पहल की, मेहनत करने की, दृढ़ संकल्प की। दोस्तों फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी और कहानी कहाँ से देख रहे थे? कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने जानने वालों को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें। और आपका नाम क्या है, आप कहानी कहाँ से देख रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसी एक भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते बस इतना ही कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।